बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला सबकी जुबान पर। इस साल देश में जून में सामान्य से 11% कम बारिश हुई, जो कि पिछले 5 साल में इस माह में सबसे कम है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश में अब जुलाई में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। देश के अधिकतर हिस्सों में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करें तो मंगलवार को बदली रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आगामी 24 घंटे में कहीं कहीं तेज हवा के संग बूंदाबांदी व बारिश हो सकती है। पूर्वी हवा सामान्य और तेज गति से चलने के आसार है। 2 जुलाई का अधिकतम तापमान 36.0 रहेगा, जबकि न्यूनतम 26.0 तक रहने की संभावना है। वही 3 जुलाई को अधिकतम तापमान 35.0 जबकि न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। संवाद सूत्र, बहराइच तराई में 2 दिन से हो रही रात में बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। रात में झमाझम बारिश हो रही है और दिन भर बादल छाए रहे। बादल छाने के कारण गर्मी का एहसास नहीं हुआ। लोग अपनी दिनचर्या को आसानी से निपटाते रहे। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 3 दिन तक बारिश के आसार बने रहेंगे। जिले में रविवार की देर रात करीब 11 बजे अचानक बादल छा गए और रिमझिम फुहारे रुक रुक कर गिरने शुरू हुए। रात करीब 1 बजे झमाझम बारिश शुरू हो गई, जो करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश होती रही। बारिश होने से मौसम एक बार फिर से सुहावना हो गया। सोमवार को दिन भर बादल छाए रहे। बीच बीच में ऐसा मौसम बना कि फिर से बारिश होने वाली है, लेकिन बूंदाबांदी के बाद फिर से मौसम सुहावना हो गया। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी एम दानिश ने बताया कि अब 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। पहली बारिश में कैसरगंज बस स्टॉप के सामने मस्जिद वाली गली में घुटनों तक पानी भर गया। जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण गली में पैदल चलना मुश्किल हो गया है। लोग इंजन व मोटर से अपने घरों से पानी निकालने के लिए मजबूर हैं। नगर पंचायत के जिम्मेदार मौन हैं।